हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू होम एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी। आज मैं आप लोगों के साथ 3 किचन डेकोर के डीआईवाई शेयर करने वाली हूं। उम्मीद करती हूं आपको ये आइडियाज पसंद आएंगे। तो अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी किचन में पहले से ही कुछ चीज़ें रखी हुई है, मैं उनको पहले रेनोवेट करूँगी और अपने किचन को एक मॉडर्न लुक देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले ये एक कटलरी होल्डर मेरे पास है स्टील का। ये स्टील कलर मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको स्प्रे पेंट कर दूंगी। तो स्प्रे पेंट करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके कंटेनर या जो भी आप स्प्रे पेंट कर रहे हो उस पर कोई स्टिकर वगैरह हो तो उसको निकाल लें। तो मैंने इस तरह से इसको गोल्डन और ब्लैक कलर में स्प्रे पेंट कर दिया है। तो अब ये देखिए ये कितना ट्रेंडी और अच्छा सा लुक देने लग गया है। वो शाइनी स्टील का लुक जो है वो अच्छा नहीं लगता था और ये स्टैंड अब बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखिए गोल्डन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन कितना अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने एक ट्रे, छोटी सी ट्रे थी वुडन मेरे पास, उसको भी मैंने गोल्डन पेंट कर लिया इस तरह से। और इसमें अब मैं अपना ऑयल और घी प्लेस करती हूँ। ऑयल और घी रखने से पहले उसके नीचे आप टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर इस तरह से रख लें जिससे ट्रे ख़राब ना हो जब भी ऑयल या कुछ यहाँ पे लीक हो जाए। और इसके बाद जो थर्ड आइडिया मैंने लगाया वो भी, ये 3 स्नैक बॉक्सेस है मेरे पास, टिन्स है स्टील के, ये भी बहुत शाइनी और रखे हुए थोड़े ओल्ड फैशन लगते हैं। तो इनको भी मैंने स्प्रे पेंट कर लिया। इनको मैंने वाइट कलर में स्प्रे पेंट किया है और स्प्रे पेंट होने के बाद, सूखने के बाद ये कुछ ऐसे नज़र आए। अब ये प्लेन वाइट बॉक्सेस है और इनकी डल लुक को दूर करने के लिए इनके ऊपर मैंने कुछ फंकी क्विर्की कोटेशंस लिख दी एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कंटेनर्स मेरे रेडी होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आए। इनमें अब मैं अपने टी स्नैक्स रखती हूँ जैसे कि बिस्किट, कुकीज़ वगैरह, और ये रखे हुए भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले DIY की ओर। इस DIY के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये इस तरह की एक प्लास्टिक की ट्रे और इस तरह के 2-3 वुडन स्पैटुलास। तो ये पुराने स्पैटुला मेरे पास रखे हुए हैं। कई बार हम कोई नॉन स्टिक कढ़ाई तवा वगैरह लेते हैं उसके साथ ये हैंडी फ्री आ जाते हैं, तो इस तरह से ये काफ़ी इकट्ठे हो गए थे। तो ये छोटे छोटे 2-3 मेरे पास हैं तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इनको पहले मैंने इस तरह से ब्लैक कलर में स्प्रे पेंट कर लिया है। और ये जो मेरी प्लास्टिक की प्लेट है इसको मैंने स्क्रू ड्राइवर गरम करके गैस पर इसमें 2 होल कर लिए हैं जिससे कि मुझे इसे टाई करके हैंग करने में इजी हो जाएगा। और इसको मैंने कर लिया है वाइट कलर से पेंट। तो ये अब मेरा ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन हो गया। अब इस प्लेट पर मैं एक्रेलिक कलर की हेल्प से एक वर्ड ट्रेस कर लूँगी, यम। यम मतलब टेस्टी। और एक स्माइली मैं ड्रॉ करूँगी यहाँ पे इसको कलरफुल टच देने के लिए।
मैंने यहाँ पे सर्कल येलो कलर की पेंट से फिल कर लिया है अपनी स्माइली के लिए। और जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम इसको उल्टा करके इसके पीछे ये जो वुडन स्पैटुलाज है इनको ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा ग्लू लगाकर इन तीनों को इसकी बैक साइड में पेस्ट कर लिया है। मैंने बैक साइड इनकी पेंट नहीं की है क्योंकि ये विजिबल नहीं होने वाला है हैंग करने के बाद। तो ये देखिए इसकी फ्रंट लुक। अब ये जो येलो सर्कल हमने बनाया था इसमें हम स्माइली ड्रॉ कर लेंगे ब्लैक कलर की हेल्प से। इसकी आईज और एक यम वाला जो स्माइली होता है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगी। अब मैंने इस तरह की जूट की जो कॉर्ड आती है ये यूज़ की है यहाँ पर इसको हैंग करने के लिए। फिर रिक्वायर्ड साइज़ में इसको मैंने कट कर लिया है स्क्वायर को। और ये जो होल्स मैंने किए थे इस प्लेट में इनमें से पास करके अपनी किचन वॉल पे हैंग करने के लिए इसे रेडी कर लूँगी। अपने अगले DIY के लिए मैंने यूज़ किए हैं इस तरह से ये 5 डॉवल्स, ये 2 लंबे लंबे और ये 3 छोटे। ये एक्चुअली एक लंबी सी लकड़ी थी जो बीच में से टूट गई थी तो इसी को मैं फिनिशिंग लुक देकर यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने ये छोटी सी जो आरी है इसका यूज़ किया है। ये आपको ईजीली किसी भी हार्डवेयर शॉप में 30 या 40 रुपीज़ में मिल जाएगी। मैं लोकल हार्डवेयर शॉप से इसे लेकर आई थी 30 रुपीज़ में। तो इससे इजीली ये डॉवल्स कट हो गए। तो इस तरह से मैंने मार्क करके दोनों को इक्वल निशान लगाकर ये जो एक्स्ट्रा अनइवन पोर्शन था इस डॉवल का वो कट कर लिया। तो ये देखिए मेरे 2 इक्वल पीसेस रेडी है। अब मैं इंची टेप की हेल्प से इसकी लेंथ मेजर कर लूँगी और इसके मैं इक्वल साइजेस में 4 पार्ट्स कर लूँगी क्योंकि इससे मैं बनाने वाली हूँ एक छोटी सी मिनी लैडर। तो मैंने 4-4 इंच इस तरह से छोड़ के इस पर निशान लगा लिए हैं और इसको मेजर करके ही मैं दूसरी वाली जो स्टिक है मेरी लॉन्ग स्टिक उस पर भी निशान लगा लूँगी। इसके बाद मैं नेल
की हेल्प से, नेल और हैमर की हेल्प से इनको आपस में जोड़ दूंगी। और एक फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं इसे वार्निश से अच्छी तरह से कवर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा मिनी लैडर बनकर रेडी है और ये मैंने अपनी काउंटर टॉप पे प्लेस किया है अपनी डेली यूज़ के हैंड टॉवल्स इस तरह से हैंग करने के लिए, और ये रखी हुई काफ़ी सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे DIYs पसंद आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।